हेलो एवरीवान दिस इज़ स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन एंड जितने भी लोगों ने डायरेक्ट इन डरेक्ट स्पीच की जो हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट करी है कि एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन देखे हैं उसके अगर वो कंप्लीट नहीं किया है तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ पहले उसको एक बार कंप्लीट कर लेना बिकॉज तब आपको ये एक्सरसाइजेस करने में बहुत ईजी होगा एंड ऑल दो स्क जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है सो वेलकम टू द एक्सरसाइजेस गाइज फर्स्ट क्वेश्चन में चेंज करना है हमीद said, I आई to टू a house. अब हम जिस हिसाब से करेंगे ना आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे प्लस जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं ठीक है So, हम इसको कैसे बोलेंगे हरमीत ने कहा आई वॉन्ट टू बाई हाउस ये एक सिंपल सेंटेंस है assertive सेंटेंस है अपन को रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है हम लिखेंगे हरमीत सेड हरमीत सेड ठीक है अब ये आपका जो कॉमा और कोटेशन मार्क है वो हमने हटा दिया अब हरमीत ने कहा मैं घर खरीदना चाहता हूं जब मैं आपको बताऊंगी तो मैं बोलूंगी हरबीत ने कहा कि वो घर खरीदना चाहता था तो वो के लिए हम लिखेंगे ही वॉन्ट मतलब सिंपल प्रेजेंट में है सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है वो हो जाएगा ही वॉन्टेड टू बाय हाउस राइट सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं They said we are in the capital. उन्होंने कहा कि वो capital में है मतलब हम यहाँ बात करें capital city की तो they said, again ये एक assertive sentence है ये हो जाएगा They said अब ये हमने हटा दिए दोनों जो punctuation marks लगे हुए हैं that उन्होंने कहा कि वे वो लोग जो हैं वो capital में हैं तो आप बोलोगे they. We की जगह क्या हो जाएगा they. अब आर जो है ये सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे आ लिखा है पास्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा दे वर इन कैपिटल दे वर इन कैपिटल नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास संजय सेड आई वॉज रीडिंग संजय ने कहा मैं पढ़ रहा हूं अब जब मैं आपको बताऊंगी तो वो होगा संजय ने कहा कि वो पढ़ रहा था तो ये हो जाएगा संजय सेड संजय सेड That. he was reading जो present continuous का जो हमारा tense है उसको हमने past continuous में change कर दिया understood clear अब हम देखते हैं second वाला चेतन I have played cricket Chetan ने कहा मैं cricket खेल चुका हूं अब यहां पर आप बोलोगे चेतन said ठीक है ये आ जाएगा चेतन said अब चेतन सेड यहां से हटाओ ये दोनों पंक्चुएशन मार्क्स लगा दो यहां पे दैट अब क्योंकि चेतन ने कहा कि उस वो खे, आ, क्रिकेट खेल चुका था हम आई की जगह लिख देंगे ही प्लेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट इसको कर दो पास्ट परफेक्ट तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ही हैड प्लेड क्रिकेट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य सेड वी आर डूइंग द असाइनमेंट आदित्य ने कहा हम असाइनमेंट कर रहे हैं हम इसको कैसे चेंज करेंगे आदित्य ने कहा कि वे लोग असाइनमेंट कर रहे थे ये हो जाएगा आदित्य सेड वी को हमने चेंज कर दिया दे के साथ आर डूइंग जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा वर डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा ये चेंज हो गया असाइनमेंट द असाइनमेंट ठीक है नेक्स्ट इज यासमिन सेड आई केम फर्स्ट यासमिन ने कहा मैं पहले आई अब इसको कैसे करोगे यासमिन सेड यासमिन सेड दैट ठीक है ये हमने पंक्चुएशन मार्क्स हटा के दैट लिख दिया आई की जगह हो जाएगा शी वो आई ना इसीलिए शी अब केम फर्स्ट केम मतलब क्या होता है पास्ट टेंस पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट हो जाएगा शी हैड कम ओके वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम हियर शी हैड कम फर्स्ट ठीक है क्लियर कि हमने किस तरीके से किए ये सारे क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। रिचा सेड आई हैव टू गो टू my फ्रेंड रिचा ने क्या कहा आई हैव टू गो टू my फ्रेंड ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है हमने यहां पे लिखा रिचा सेड दैट ठीक है अब ये हटाया ये हटाया दैट लगा दिया शी आई की जगह हमने लिख दिया शी हैव टू गो अब she have की जगह आ गया had. She had to go to her friend उसको उसकी दोस्त के घर जाना था अगर तुमने यहाँ पे इसको my friend कर दिया तो ऐसा लगेगा उसको मेरी दोस्त के घर जाना था तो यहाँ पे आई भी चेंज करोगे और my भी चेंज करोगे ठीक है मनोज सेट टू हर फ्रेंड यू लुक अपसेट मनोज ने अपने दोस्त से कहा तुम थोड़े अपसेट से लग रहे हो तो यहाँ पे क्या बोलोगे मनोज सेट टू हर फ्रेंड ना अब तुम्हें पता है मनोज ने किससे बोला तो मनोज टोल्ड हर फ्रेंड मनोज टोल्ड हर फ्रेंड मनोज ने क्या बोला अपने दोस्त से दैट वो दुखी लग रहा है या सॉरी वो दुखी लग रहा था ही looked अपसेट ये जो लुक है ये प्रेजेंट सिंपल में इसको हमने पास सिंपल में कर दिया रवि सेज इट मे रेन टमोरो रवि ने कहा कि कल बारिश हो सकती है अगर हम बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे रवि ने कहा था कि कल बारिश हो सकती थी अब कल को आप क्या बोलोगे द डे बिफोर सॉरी द नेक्स्ट डे को क्या बोलेंगे द नेक्स्ट डे तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं सेज अच्छा सॉरी हमारे पास वर्ब देखो वर्ब हमारा प्रेजेंट में है प्रेजेंट में है तो इसका तो कोई टेंस चेंज ही नहीं होगा सो so ये हो जाएगा रवि सेज दैट इट मे रेन ठीक है अब मैं मेका माइट नहीं करूंगी इट मे रेन टुमारो को कर दिया हमने द नेक्स्ट डे Tomorrow को क्या कर दिया द नेक्स्ट डे ओके आर वी क्लियर विद दिस मच चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आई हैड एंड ट्रेवल्ड बाई अंडरग्राउंड बिफोर आई केम टू लंडन आई हैड एंड ट्रेवल्ड बाई अंडरग्राउंड बिफोर आई केम टू लंडन तो हमें यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है रिपोर्टिंग वो जो वर्ब दिया हुआ है सो शी सेड अब यहां से इसको हटाओ और यहां पे लग जाएगा शी सेड दैट आई मतलब शी अब यहां पे हैड नॉट ट्रेवल्ड ड ट्रैवल्ड मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट किसी चीज में चेंज नहीं होता ये वैसे का वैसा रहेगा शी हैड एंड ट्रेवल्ड शी हैड एंड ट्रैवल्ड बाय अंडरग्राउंड बिफोर शी केम टू लंडन ओके okay? और आफ्टर शी वेंट टू लंडन सो यहाँ पे हमारे पास आंसर यहाँ पे देखो अब है शी सेट दैट शी बाय अंडरग्राउंड अब उसने क्या बोला बिफोर आई केम टू लंडन लंडन आने से पहले सो so, आप क्या बोलोगे वो लंडन जाने से पहले उसने कभी नहीं किया था अब कम का हो जाएगा गो तो बाय अंडरग्राउंड बिफोर क्या हो जाएगा बिफोर शी वेंट टू लंडन बिफोर शी वेंट टू लंडन केम का हो जाएगा वेंट ओके सॉरी और यहां पर यहां पर इनफैक्ट यहां हमको क्या करना चाहिए बिफोर शी हैड गु लंडन क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है तो यह क्या हो जाएगा बिफोर शी हैड गॉन टू लंडन गो का थर्ड फॉर्म लेंगे हम कम का गो हो जाएगा और गो का थर्ड फॉर्म लेंगे नेक्स्ट है दे वुड हेल्प इफ दे गुड उसने कहा कि वो लोग मदद करेंगे अगर वो कर पाएंगे सो शी सेट दैट दे अब यहां पर दे वु हेल्प अब ये ऑलरेडी दे मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता दैट दे अब वुड मतलब ये वुड भी चेंज नहीं होगा ये भी ऐसे रहेगा दैट दे वुड हेल्प इफ दे Good. कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास इसमें इस सेंटेंस में आवी क्लियर आई विल डू द वॉशिंग अप लेटर उसने क्या कहा कि मैं वॉशिंग अप बाद में करूंगी अब इसके लिए क्या बोलोगे शी टोल्ड मी दैट शी विल आई विल की जगह क्या हो जाएगा शी विल अब डू द वॉशिंग अप लेटर शी विल अब विल यहां से हटा दोगे आप और क्या लिखोगे शी वुड She would will का बन जाएगा would do the washing up later. Will की जगह हम क्या यूज करेंगे Would यूज करेंगे ओके नेक्स्ट सेंटेंस क्या है ही asked, डू यू लिव इन द कंट्री पीटर So उसने क्या बोला कि तुम क्या यहां पे कंट्री में रहते हो अब इसको क्या बोलोगे ही asked मी अब यहां पे क्वेश्चन जो है आपका डू यू लिव इन द कंट्री क्या ये किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल नहीं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं हु हो गया वॉट हो गया या वेन हो गया या फिर वाई हो गया या फिर हाउ हो गया ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनसे तो स्टार्ट हो नहीं रहा है तो हम इफ लगाएंगे ही आस्ट मी इफ इफ आई लिव्ड इन द कंट्री इफ यहां पे आपने लगाया इफ जगह आएगा आई लिव का पास्ट फॉर्म हो जाएगा लिव इन दंट्री दे इनक्वायर्ड डिड यू सी चार्ल्स यस्टरडे मॉर्निंग अब यहां पे भी आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है तो हम इफ लगाएंगे दे इफ अब यहां पे यू हो जाएगा आई सी का हो जाएगा हैड सीन सॉरी सी का हो जाए या एग्जैक्टली सो इफ यू सी डिड यू सी तो यहां पे डिड के साथ लगाया है इसीलिए वरना ये पास्ट टेंस है ना डेड मतलब पास टेन और पास का पास परफेक्ट हो जाएगा सो इफ आई हैड सीन चार्ल्स अब yesterday morning, अब मॉर्निंग मॉर्निंग को आप क्या चेंज कर दोगे मतलब क्या होता है द प्रीवियस मॉर्निंग अब आप इसमें येस्टरडे मॉर्निंग की जगह दैट मॉर्निंग लिखने की जगह सिर्फ लिख दो द प्रीवियस मॉर्निंग क्या लिखोगे चार्ल्स द प्रीवियस मॉर्निंग ओके

डोंट यू नो द ट्रैफिक रेगुलेशन पुलिस मैन ने क्या बोला है अब देखो दुलिस यू नो दुलिस अगेन इफ से चालू होगा क्योंकि ये भी अगेन क्या है क्वेश्चन वर्ड नहीं है इफ आई अब डोंट मतलब नेगेटिव सेंटेंस इफ आई डिड नॉट नो इफ आई डिड नॉट नो द ट्रैफिक रेगुलेशन द पुलिस मैन वॉन्टेड इफ आई डिड नॉट नो द ट्रैफिक रेगुलेशन क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट में हमने सिंपल पास्ट में कर दिया द कमांडर आज डू आर सोल्जर्स हैव इनफ वेपन्स कमांडर ने क्या पूछा क्या हमारे सोल्जर्स के पास इनफ वेपन्स हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे द कमांडर वॉन्टेड टू नो या द कमांडर इनक्वायर्ड या द कमांडर क्वेश्चन इफ अगेन If, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे सोल्जर्स यहाँ पे सोल्जर्स की जगह क्या हो जाएगा सोल्जर्स हैड इनफ वेपन्स द कोच वॉन्टेड टू नो कैन यू डू योर बेस्ट बॉयज कोच ने बोला क्या तुम अपन मतलब यू नो अपना बेस्ट दे सकते हो तो अब इसको क्या बोलेंगे द कोच वॉन्टेड टू नो उसको वैसा ही रख दो या इंक्वाय कर दो या क्वेश्चन कर दो या आज कर दो ठीक है अब अगेन यहाँ पे क्या बोलोगे इफ वी अब यहाँ पे यू है द कोच वॉन्टेड टू नो इफ आई कैन अभी यहाँ पे बॉयज है तो आई नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर नहीं है प्लुरल है इफ वी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इफ वी कुड डू आर बेस्ट इफ वी कुड डू आर बेस्ट ठीक है और इफ वी डू यू नो और यू कैन से दैट ही द फ्रॉम द इफ दे डू देयर बेस्ट तो आप इसमें से दोनों यूज कर सकते हो ये रहे हमारे आंसर्स नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार्ट वर्क ये क्वेश्चन आप करने वाले हो ये तीनों क्वेश्चन आप करने वाले हो दे इंक्वायर्ड है नाउ तो अब यहाँ पे हर जगह ये सारे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन में इफ लगेगा क्योंकि ये सबके सब जो है क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है सो जस्ट ट्राई अदरवाइज आई एक्सप्लेन इट टू आप पॉज करो लिखो आंसर्स। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू आंसर्स। ये हो जाएगा ही आस्ट इफ दे वर गोइंग टू स्टार्ट वर्क द नेक्स्ट डे टूमरो बन गया द नेक्स्ट डे वी की जगह आ गया दे और यहाँ आर हट गया और यहाँ आ गया वर इफ वी वर गोइंग टू स्टार्ट वर्क द नेक्स्ट डे दे इंक्वायर्ड America? अब ये बहुत ही सिंपल है उन्होंने इंक्वायर किया इफ अब यहाँ पे दे ऑलरेडी थर्ड पर्सन है तो वो दे ही रहेगा इफ दे की की America.

रेसिडेंट आज आर यू गोइंग टू हैव आर रोड रिपेयर मैर तो द रेसिडेंट्स आज द मै क्योंकि हमें पता है वो किसको पूछ रहे हैं मेर से पूछा है तो हम लिख सकते हैं द रेसीडेंट्स आज द मैर इफ क्या हो जाएगा यहाँ पे इफ यू मतलब मैर ही आर गोइंग की जगह हो जाएगा वॉज गोइंग इफ ही वॉज गोइंग टू हैव आर की जगह हो जाएगा देर रोड्स रिपेयर ये रहा हमारा आंसर ये मेरा आंसर मतलब नॉट आंसर आंसर ठीक है क्लियर अब हम देखते हैं कि जब हम कुछ एम्पेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमको किस तरीके से डील करना है इन में टीचर सेट लीव द रूम अब इसको क्या बोलोगे द टीचर पे है कैंट नेगेटिव है नॉट टू लीव द रूम बस सिंपल क्या बोला नॉट टू लीव द रूम तो यहाँ पे अब आंसर देख लो नॉट टू लीव द रूम ठीक है मॉम टोल्ड मी डोंट स्पेंड टू मच मनी ऑन क्लोथ अगेन जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है या डोन्ट होता है या कांट होता है आपको क्या करना है नॉट टू यूज नॉट यूज करो और वर्ब के साथ इंफिनेटिव फॉर्म यूज करो मतलब मॉम टोल्ड मी अब यहां पर नॉट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन क्लोथ सिंपल नॉट टू स्पेंड यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं होगा आई सेट टू हर स्पीक मोर स्लोली आप बोलोगे आई टोल्ड हर टू स्पीक मोर स्लोली ठीक है हर जगह वर्ब का इंफिनेटिव फॉर्म हम यूज कर रहे हैं द डॉक्टर सेड यू मस्ट नॉट ईट एनी स्वीट्स अब मस्ट मतलब इसको चेंज कर देते हैं या have to में। तो ये हो जाएगा द डॉक्टर सेड या द डॉक्टर फॉरबेड मी फॉरबेड मतलब किसी चीज से लिए मना किया तो इसमें नेगेटिव तो यूज ही नहीं करना है डॉक्टर फॉर बेड मी टू ईट एनी स्वीट बस फॉर बेड मी टू ईट एनी स्वीट डॉन सेड आई वोट टेल एनी वन डॉन ने कहा वो किसी को नहीं बताएगा डॉन सेड और डॉन प्रोमिस प्रोमिस है ना डॉन प्रोमिस दैट अब यहाँ पे दैट आ गया डॉन्ट प्रोमिस नॉट टू टेल एनी वन और दैट ही वुड नॉट टेल इट टू एनी वन तो यह आ जाएगा नॉट टू टेल एनी वन इज राइट एना सेट आई वोट हेल्प यू एनाज ए फ्यूज आई वोट हेल्प यू तो उसने क्या बोला रिफ्यूज टू हेल्प मी जेक से आप करने वाले हो जेक सेव अस एनी होमवर्क एंड आई टोल्ड हिम आई विल पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जेक ने क्या बोला कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए एक एडवाइस हो गई आई सेट मैंने टीचर से क्या बोला बस अब वो होमवर्क मत दो तो यहाँ पे शी ऑलमोस्ट बेग्ड और यहाँ पे जो लास्ट है कि मैं तुम्हें पनिश करूंगी अगर तुमने सही तरीके से बिहेव नहीं किया ये क्या है किसी को आप धमकी दे रहे हो थ्रेटन कर रहे हो ठीक है सो ये है हमारे आंसर्स जेक एडवाइज मी टू सी अ डॉक्टर आई बेग द टीचर नॉट टू गिव द एनी होमवर्क आई थ्रेटन टू पनिश हिम इफ ही डिड नॉट बिहेव ओके ही से वाज उसने बोला तुम थी जिसने जो वास तोड़ा था तो अब इसका क्या हो जाएगा अक्यूज मतलब होता है इल्जाम लगाना ही अक्यूज मी ठीक है किस चीज के लिए ऑफ ब्रेकिंग द वास आप कभी भी अगर वर्ड अक्यूज यूज कर रहे हो तो इसके साथ आपको ऑफ लगाना ही पड़ेगा ठीक है ही अक्यूज मी ऑफ ब्रेकिंग द वाज आई होप आर क्लियर गाइज क्लास सेवन